आप वेल सेटल्ड थे, आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है जी, तो उस सबके बावजूद आप इधर आ गए, बड़ा मुश्किल होता है जी। और आज के लाइफ, आज के टाइम में तो लोग कहते हैं कि भैया मोबाइल आपके पास आ गया तो आप छोड़ ही नहीं सकते दुनियादारी, तो कैसे आप आगे, कितना इजी रहा, डिफिकल्ट रहा जी? और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का यूट्यूब चैनल और दबाएं बेल आइकॉन। इजी भी और डिफिकल्ट भी, दोनों होता है। सबसे पहले तो मैं जब एचपी में जॉब कर रहा था तो मैंने अपने आप से एक सवाल पूछा कि अगर मैं एवरेज 8 घंटा रोज का जॉब पर काम करता हूँ, अपने वर्क प्लेस में 8 घंटे रहता हूँ और हफ्ते के 5 दिन वीकेंड छुट्टी हो तो हफ्ते के 40 घंटे मेरे वर्क प्लेस पर जाते हैं, और अगर साल में मैं 50 घंटे काम करता हूँ तो 50 हफ्ते काम करता हूँ तो साल के 2000 घंटे वर्क प्लेस पर जाते हैं, और अगर जिंदगी भर 45 साल काम करूं तो जिंदगी के 90,000 घंटे मेरे वर्कप्लेस पे जाने वाले हैं जो मेरे जिंदगी के 10 साल है। तो मैंने अपने आप से बस एक ही सवाल पूछा कि मेरे 90,000 घंटे मुझे मुस्कुराते हुए बिताने हैं कि रोते हुए बिताने हैं। और हालांकि मेरी जॉब में और मेरे वर्क में मैं बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे ये लगा कि आई एम नॉट कट फॉर दिस। तब फिर मैंने अपने आप से पूछा तो इसके लिए कट नहीं तो फिर क्या करना क्या चाह रहे। फिर वो जो स्पिरिचुअल कॉलिंग थी उसको और इसको कंबाइन कर दिया कि लेट द माय स्पिरिचुअल कॉलिंग एंड माय वर्क बी कंबाइंड टुगेदर। तो उस दृष्टि से थोड़ा एक कठिन इसलिए था, मुश्किल इसलिए था कि एक बड़ा रिस्क है ये, मतलब ये कोई जॉब शिफ्टिंग नहीं है ये, ये यहाँ से एक सेटल्ड जॉब से आकर ये कपड़े गेरुए कपड़े पहनकर बाजार के तो एक दृष्टि से थोड़ा रिस्क था, तो थोड़ा कठिन था। और आसान इसलिए था कि अगर किसी से प्यार हो जाए तो कितनी ही दिक्कतें आ जाए वो आसान हो जाता है। तो जिस पाथ से, जिस काम से आपका प्यार हो जाता है तो फिर बस। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें माय एफएम का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। याद रखिए, अगर आप कुछ अच्छा सुन रहे हैं तो माय एफएम सुन रहे हैं। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं।